जय हिंद। दिस इज प्रोफेसर इंद्रेश राव एंड आई विल टीच यू साइकोलॉजी ऑप्शनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अवर ऑर्गेनाइजेशन साइकी वर्ल्ड आईएएस, आई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एंड दिस इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद मूवी साला। आवर क्लासेस एंड लेक्चर्स यू कैन टेक फ्रॉम द मूवी साला प्लेटफॉर्म्स बाय यूजिंग द दिस इंस्टीट्यूशन कोड PSYC5548। सो दिस इज स्मॉल ब्रीफ अबाउट माई सिस्टम। एंड नेक्स्ट थिंग, सर्टेन थिंग्स यू हैव मस्ट क्यूरियोसिटी अबाउट मी। आई हैव बीन टीच साइकोलॉजी फ्रॉम रिसेंट 15 ईयर्स फॉर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एट द वेरियस लेवल। सो आई थिंक दिस इज नॉट मैटर फॉर विच इंस्टीट्यूशन आई हैव टीच एंड हाउ मच ईयर आई हैव टीच। सो हियर इज इम्पॉर्टेंट दैट हाउ वी विल डील यूपीएससी। एंड दिस क्लास इज टोटली फॉर द बोथ स्टूडेंट्स, दोज हु आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मीन्स हिंदी मीडियम ऑल्सो, बिकॉज आई विल यूज बोथ मीडियम इन माई क्लास। सो द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड इन सेलेक्टिंग देयर ऑप्शंस। एज यू नो दैट इन द यूपीएससी एग्जाम ऑप्शन पेपर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर रैंकिंग, इन योर सेलेक्शन ऑल्सो, बिकॉज जनरल पेपर्स मार्क्स ऑलमोस्ट आर सिमिलर इन एवरी स्टूडेंट, बट द फाइनल रैंक्स डिसाइडेड बाय योर ऑप्शनल। सो दोज हु वॉन्ट टू सेलेक्ट ऑप्शन एज अ साइकोलॉजी, दिस क्लास इज फॉर हिम। और दोज हु आर थिंकिंग टू सेलेक्ट साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल, दिस क्लास इज फॉर हिम। सो आई विल टेल यू हियर इज वेरियस मेरिट्स वाई दे कैन सेलेक्ट अ साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल, बिकॉज दिस क्लास विल एलिमिनेट योर डिलेमा वाई वी शुड सेलेक्ट साइकोलॉजी एज ऑप्शनल। बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस्ड ट्वाइस इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी बाई द ऑप्शनल साइकोलॉजी, सो दैट आई हैव अ आइडिया वेल वॉट वी शुड राइट। एंड इवन आई एम गाइडिंग फॉर मेनी ईयर्स, सो दैट आई नो वॉट स्टूडेंट्स मेक जनरली मेक मिस्टेक्स इन देयर प्रेपरेशन, सो दैट वी कैन एलिमिनेट वॉट मिस्टेक हैज बीन डन बाई द प्रीवियस स्टूडेंट एंड हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। सो दिस इज अ फर्स्ट क्लास। इन दिस क्लास बेसिकली वी विल डील वाई वी शुड सेलेक्ट साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल। सो आई विल प्ले हियर फर्स्ट स्लाइड्स आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन। हियर इज वेल आई हैव मेंशन वाई यू शुड सेलेक्ट साइकोलॉजी ऑप्शनल। हियर आई हैव मेंशन लॉट ऑफ पॉइंट्स, इवन यू कैन रीड बिफोर आई एक्सप्लेन, बट इट इज इनजस्टिस फॉर यू एंड मी ऑल्सो। वी शुड गो साइमल्टेनियसली। फर्स्ट थिंग, वाई वी शुड सेलेक्ट साइकोलॉजी, देयर इज अ फर्स्ट रीजन आई हैव बीन मेंशन। दैट रीजन इज हियर साइकोलॉजी इज अ सन ऑफ कैपिटलिज्म। साइकोलॉजी सन ऑफ कैपिटलिज्म। इफ आई एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड व्हाट इज कैपिटलिज्म,
कैपिटलिज्म मीन्स हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा. व्हेन हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर एवरी मेंबर ऑफ फैमिली गोइंग टू कलेक्ट मनी, दैट इज कैपिटलिज्म. जस्ट इमेजिन, पैसा चाहिए सबको. सिर्फ पैसा चाहिए तो भागना पड़ेगा. स्ट्रेस ऑटोमेटिक विल कम, एंजाइटी विल ऑटोमेटिक कम, डिप्रेशन विल ऑटोमेटिक कम. सपोज यू वॉन्ट टू रन एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, देर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन. सो दैट यू नीड ऑलवेज लर्निंग. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाना रात को 1-1 बजे तक काम करना पड़ेगा, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए. कॉरपोरेट सेक्टर्स आज अपने एम्प्लाइयों से ज्यादा काम लेने के लिए उनको अपने आप मोटिवेटर स्पीकर बुलाते. सो साइकोलॉजी का स्कोप बहुत आगे है. क्यों? बिकॉज कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा. मेनली साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड इन यूरोप एंड अमेरिका, एंड नाउअडे एवरी 4 पीपल रिक्वायर्ड साइकोलॉजिस्ट बिकॉज द पर्सन हैव नो मेंटल सेटिस्फैक्शन. एंड इन द कमिंग ईयर दिस सेटिस्फैक्शन लेवल विल डेफिनेटली डिक्राइन. सबके पास पैसा होगा. सर आप घर में टाइलें लगा लोगे, घर में आप अच्छे से फर्नीचर लगा लोगे, वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा. सेटिस्फैक्शन विल कम्स बाई माइंड. और माइंड को समझना समझाने वाले ये लोग बहुत कम है. सो साइकोलॉजी इफ यू विल सेलेक्ट फॉर द UPSC, इनिशियली यू कैन अंडरस्टैंड दैट human minds, how they think, how they motivate, how they learn, what are the stress, what is depression, all the things, so that it is a good subject. You can select for optional. First reason. Second, psychology syllabus is very small as compared to other subjects while you are going to prepare UPSC. If syllabus is large, so that will create depression automatically. कई बच्चों का 8 महीने 10-10 महीने तक तो syllabus ही नहीं complete होता. In optional, how they will pay the time in others? So syllabus is very small. Like philosophy का syllabus छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं psychology का है. Only 14 chapters are there in a first paper. And 14 chapters are in a second papers. Only 14 chapters. So just imagine, if you takes around 6 months. 6 months means 180 days. At least मान के चले, अगर 300 दिन हमें तैयारी करनी, या फिर कह सकते हैं कि just 150 days मान लो आप पढ़ाई करते हैं. So 14 को divide करो 140 days में, तभी भी वो 10 plus days आ. So, आप सोचो 10 दिन में एक चैप्टर नहीं तैयार कर सकते आप, बड़े आसानी से कर सकते. चलो आप फर्स्ट पेपर का 10 दिन छोड़ दो, 5 डेज में करो. यू हैव ऑल्सो 5 डेज फॉर द सेकेंड पेपर. और हर टॉपिक्स में एक से आई थिंक हर चैप्टर में 4 या 5 टॉपिक्स होते हैं. एक दिन में एक टॉपिक अगर तैयार करेंगे तो 5 दिन में 5 टॉपिक्स अपने आप तैयार हो जाएगा. सो सिलेबस इज वेरी स्मॉल. ये सिलेबस आसानी से यू कैन कंप्लीट इन 3 मंथ to 6 मंथ इफ यू आर वेरी बिगिनर. बिल्कुल यू डोंट नो अबाउट साइकोलॉजी, देन इन दैट केस इट मे बी टेक अराउंड 6 मंथ, मे बी 200 डेज. सो आई थिंक एक ऑप्शनल कोड 200 डेज देना, इट इज नॉट बैड. बिकॉज यू विल सी केयरफुली इन द UPSC, देर इज अ 4 पेपर इन GS एंड 2 पेपर इज ऑप्शनल. इफ यू विल सी द 4 GS पेपर इज कॉमन फॉर ऑल एस्पिरेंट, बट द 2 पेपर फॉर ऑप्शनल इज नॉट सेम. वाई? बिकॉज UPSC साफ साफ कह रहा है कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करिए जिस जो आपको अच्छा लगे, मैं आपका उसमें स्पेशलाइजेशन चेक करना चाहता हूं. सो UPSC गेम इज वेरी क्लियर. गेम आई कैन से ऑल्सो एम इज क्लियर. आई विल गिव यू लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, उसमें से कोई एक आप चूज करो और उसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप उसमें आप मेंस लिखो, मैं उसी के बेस पे आपको सिलेक्ट कर लूंगा. सो सर साइकोलॉजी आपने चूज किया,
तो साइकोलॉजी आपको समझना ही पड़ेगा, हिस्ट्री चूज किया हिस्ट्री समझना पड़ेगा, बिकॉज ही इज गिविंग यू चॉइस. बट आई एम टेलिंग यू व्हाई साइकोलॉजी इज गुड ऑप्शन. सिलेबस इज वेरी स्मॉल सर. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग, आई हैव बीन टॉट ऑल लेवल ऑफ साइकोलॉजी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, एवरी लेवल. आई हैव सीन नॉट मोर देन 130 साइकोलॉजिस्ट आर देयर. सोचो 130 साइकोलॉजिस्ट अगर आपने पढ़ डाले तो पूरी साइकोलॉजी की समझ हो जाएगी. सेकेंड थिंग, देर इज 178 थ्योरीज प्लस, लाइक थ्योरीज आर देयर. सो 178 थ्योरी पढ़ डाला तो भी साइकोलॉजी पूरी हो गई. बट इन द यूपीएससी दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. यू शुड, देर इज नो नीड टू स्टडी 130 साइकोलॉजिस्ट 178 थ्योरी. इसका 50% भी आपको नहीं पढ़ना होता. राइट, यू डू नॉट नीड टू स्टडी ऑल. सो सिलेबस बहुत छोटा है. सेकेंड रीजन वाई शुड सेलेक्ट साइकोलॉजी. थर्ड इज हियर, दैट इज अ रीड क्लियरफुली. आप भी पढ़ो. टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग विच इज पॉसिबल फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एस्पिरेंट्स. टॉपिक्स आर वेरी इजी. साइकोलॉजी टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड यू कैन इजिली सेलेक्ट एज ऑप्शनल. इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू कैन सेलेक्ट. आई हैव रिटन लॉट ऑफ टॉपिक्स एट हियर. सर आप देखिए, सो एवरी स्पिरेंट, एवरी ह्यूमन बींग्स वॉन्ट टू नो वट इज लर्निंग. हर किसी को सुनना अच्छा लगता है कि लर्निंग क्या चीज होती है. तो साइकोलॉजी के टॉपिक्स तो आप देखें, लाइक फर्स्ट टॉपिक इज लर्निंग. आई हैव मेंशन मेनी टॉपिक्स आर देयर, बट लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज अ वे ऑफ लर्निंग, हाउ आई कैन इंप्रूव माय लर्निंग, ये तो हर इंसान चाहता है. आई होप यू हैव ऑल्सो डन व्हेन यू मे बी स्टडीड इन योर स्कूल्स एंड कॉलेज. आप अपने टीचर से बात करते रहोगे, सर मुझसे टॉपिक नहीं लर्न हो रहा, मैं क्या करूं. सर टीचर वॉज नॉट साइकोलॉजिस्ट, बट वी आर साइकोलॉजिस्ट, वी कैन टेल व्हाट यू कैन डू, हाउ टू इंप्रूव लर्निंग. तो जो कॉलेज में और स्कूल में आपके ड्रॉबैक, जो इच्छाएं थी पूरा करने की, वो यहां तो पूरी भी हो रही है. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सेकेंड थिंग, मोटिवेशन. Everybody want to know motivation. अब just imagine कि अगर आप motivation को लिख करके marks पा जा रहे हैं, समझ में भी आ रहा, marks भी मिल रहा, so what is the loss for you? Score की score बन गए, तैयारी और समझ में भी आ गया. There is thinking. What is thinking? How many type of thinking? These topics are there. आपको समझना बहुत अच्छा लगेगा. हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, हाउ टू पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दैट वी कैन अंडरस्टैंड. अब मुझसे पूछो, मैं 200 तरीके बताता हूं कैसे लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहिए. हमें बिकॉज ऑफ पूरी स्ट्रेटजी पता है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है. सो दीस आर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. यू कैन सी वन बाय वन ऑल. सो आई थिंक थर्ड पॉइंट इज क्लियर, दैट इज व्हाई वी शुड सेलेक्ट साइकोलॉजी, बिकॉज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज पॉसिबल टू स्टडी बाय द मेडिकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड. एंड वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, फीमेल के लिए तो सबसे ज्यादा अच्छा है, बिकॉज फीमेल्स आर इनबॉर्न साइकोलॉजिस्ट, दे अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर्स वेल. You can take the example of mother. एक माँ बच्चे को क्या चाहिए उसको अच्छे से पता है, because उसने नर्चरेंस किया, पाल पोस के बड़ा किया. So that psychology is very good option. Third is easy to understand and able to relate in daily life. This is a fourth point. You can relate psychology with your daily life easily. You can relate it. How?
just you can see on the next slides. Like there is a psychologist. The psychologist name is Adler. Psychologist Adler क्या कहता है? I hope those who belong to psychology backgrounds, they have studied. But जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको address कर रहा हूं. Sir, Adler, full name is Alfred Adler. So Alfred Adler क्या बोलता? The more social person is more mentally healthy he is. I will translate in Hindi. जो व्यक्ति जितना सामाजिक होता है वो उतना ही मानसिक रूप से स्वस्थ होता है. अब बताइए इसको समझना कितना आसान और डेली लाइफ से रिलेट करिए. लाइक नाउ अ डे देयर इज अ बिग सिटीज, मेट्रो सिटीज, द पीपल्स आर बेसिकली लॉक्ड इन अ हाउस, सो दे हैव क्रिएटिंग लॉट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही. और जितना मिलेंगे लोगों से बातें करेंगे उतना मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. मैं नहीं बोल रहा हूं, एडलर बोल रहा है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आई एम नॉट इन्वॉल्वेड हियर. सो कितना इंटरेस्टिंग है, पब्लिक सर्वेंट लोगों से मिलता मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा. एक और रूल है, जो व्यक्ति समाज में जितना सामाजिक होता वो अकेले में उतना ही अकेले होता. सेलिब्रिटीज को देखिए, फिल्म स्टार को देखिए, सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक पब्लिक का प्यार मिलता, पैसा आता, तब तक वो बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं. और जिस दिन आना बंद हो गया सुसाइड कर सकते हो. पॉलिटिशियंस ऑल्सो, वो गलत रास्ते पे भी जा सकते. सो जो व्यक्ति जितना सामाजिक होता है उतना ही मानसिक रूप से हेल्दी होता है. सामाजिकता खत्म हो रही, मानसिक स्वास्थ्य खत्म हो रहा है, राइट? सोसाइट अर्लियर देर वॉज फेस्टिवल, देर इज ऑल्सो नाउ फेस्टिवल. बट पहले फेस्टिवल में हम बहुत ज्यादा मनाते थे, बहुत ज्यादा मिलते थे. बट नाउ वी आर रिजर्व इन आवर हाउस. सोशलाइजेशन इज डिक्रीजिंग, मेंटल हेल्थ इज डिक्रीजिंग. अब कोई बोले मेरा मेंटल हेल्थ सही हो रहा है, उसको घूसे मारो. ऐसा नहीं हो रहा, सो इट इज रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड. फ्रायड सेड अनकॉन्शियस इज अ सोर्स ऑफ बिहेवियर. वेरी इंटरेस्टिंग. सिगमंड फ्रायड इज अ माइलस्टोन साइकोलॉजिस्ट. वी विल डिस्कस डिटेल. सो सर मैं यहां पर सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि साइकोलॉजी यू कैन रिलेट विद योर डेली लाइफ. फ्रायड क्या कहता है? अनकॉन्शियस थिंग्स विल कम इन बिहेवियर. आपको अपना नाम पता है, एड्रेस पता है, घर पता है, आपका कॉन्शियस, आप कर क्या रहो कॉन्शियस है. ये बिहेवियर कभी नहीं बनता. बिहेवियर क्या बनता है? अनकॉन्शियस. लाइक वन थिंग, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी रहूं, कभी सुखी नहीं रहता. चाहना इज अ कॉन्शियस. जो चाहता है कि मैं खूब पैसे कमाऊं, कभी पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि उसका कॉन्शियस है. बिहेवियर क्या बनता? अनकॉन्शियस. मीन्स अगर ज्यादा पैसे कमाना, फोकस ऑन योर बिजनेस, फोकस ऑन योर बिजनेस, बिजनेस पे फोकस करो. बस बिजनेस पे फोकस करो, बिजनेस ग्रो करेगा, पैसे अपने आप आएगा. सो दैट इज अनकॉन्शियस. सो खुशियां चाहिए, किसी को मत बताओ मुझे खुशियां चाहिए. बस यू शुड वर्क फॉर द हैप्पीनेस. मीन्स इफ यू वर्क फॉर द हैप्पीनेस, ऑटोमेटिक विल कम. दिस टॉपिक्स फ्राइड आई यूजुअली टीच मोर देन 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. सो हाउ आई कैन टेल यू इन अ वेरी शॉर्ट, बट दिस इज द जस्ट वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट फ्राइड्स वन प्रिंसिपल. अनकॉन्शियस सोर्सेस आर अवर बिहेवियर. अनकॉन्शियस हमारा बिहेवियर बनता है. कॉन्शियस विल नेवर बिकम बिहेवियर्स. आपने सुना होगा किसी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर से, किसी ग्रेट पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार से, तो वो अक्सर एक लाइन बोलते, पता क्या, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बन पाऊंगा. हां सर, वही होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस थिंग्स विल बिकम बिहेवियर्स. नेक्स्ट, पॉजिटिव रिगार्ड्स. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाई ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट सेड दैट पॉजिटिव रिगार्ड्स. पॉजिटिव रिगार्ड्स मीन्स हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोचो. दैट इज खुद जियो, औरों को जीने दो. दिस इज पॉजिटिव रिगार्ड. इफ समबडी इज चीटिंग यू, समबडी इज जस्ट बार्गेनिंग टू यू, और जस्ट मे बी डूइंग रॉन्ग विद यू, डोंट थिंक अबाउट दैट, बिकॉज दैट विल अफेक्ट
योर साइकोलॉजी. बुद्ध को रोज अंगुली माल गालियां देता था, बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज बुद्ध हैव पॉजिटिव रिगार्ड अबाउट द अंगुली माल. सो यू कैन ट्रांसफॉर्म द पीपल्स. Somebody said, just will become a bureaucrat. Many officers may be criticized. Joseph Murphy, there is a great psychologist who said clearly, you cannot be satisfied the 100% people in your careers, in your life, in your profession. Some of them will be disagree with you. So these are interesting facts. आपको समझना अच्छा नहीं लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो साइकोलॉजी चूज करने में, अगर पूरी साइकोलॉजी पढ़ेंगे कितना अच्छा लगेगा. देयर इज अ पर्सन, अदर कोर्स आई विल यूज, सी केयरफुली. अ पर्सन हु इज शार्प इन द टंग्स इज वीक इन बिहेवियर्स. वेरी इंटरेस्टिंग. बेस्ट एग्जांपल प्रोफेसर. प्रोफेसर जुबान की खाता, अपनी शब्दों की खाता, उसके दिमाग शब्दों में, वर्बल बिहेवियर्स उसमें ज्यादा होता है. सो आई वॉन्ट टू से इन शॉर्ट, जो व्यक्ति जुबान से तेज होता है वो कर्म से कमजोर होता है. लाइक प्रोफेसर इज बिग एग्जाम्पल. एंड आई विल टेक द टू लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर. एंड डोंट थिंक आई एम सपोर्टिंग एनी पार्टी और एनी थिंग्स. माई पॉइंट इज वेरी क्लियर. देयर वाज वन प्राइम मिनिस्टर हु स्पीक लेस, बट उनके काम बोलते थे. There is a prime minister who speak more, work is less. Psychology's rule. आपसे भी जो बहुत मीठी बातें करे डरना उसे, बिकॉज वो व्यक्ति जुबान का तेज है, कर्म का स्लो है. साइंटिस्ट बिग एग्जाम्पल, यू कैन टेक रियल लाइफ. मेनी साइंटिस्ट के सिवा मेनी मोर, कलाम साहब, दे आर नॉट गुड पब्लिक स्पीकर. सो दे आर, बट उनके काम बोलते हैं सर. साइकोलॉजी के रूल्स हैं. अब मेरे से पूछो तो मैं 100+ बता दूंगा, बहुत सारे रूल्स, और इंसान को समझना कितना आसान हो जाएगा. सो दिस इंटरेस्टिंग थिंग मे ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द साइकोलॉजी ऑप्शनल. नेक्स्ट पॉइंट Next, this is most serious point for you. Why you should select psychology? I have mentioned fifth point. The fifth point is, you can see carefully, vary scoring, score. Why? In optional, 500 marks is directly. And while you will take the GS portion, in the GS portion, there is also 250 marks in the GS paper 4. Ethics, integrity and aptitudes. Ab ethics history ka teacher thodi na padhayega. Ethics will teach by the psychologist. Ethics, integrity and aptitudes. Few portion of the GS4 paper not belong to psychology section, that are related to public administration or maybe any philosophical portion. But psychology optional choose karne ka fayda hua. GS paper 4 mein taiyari aapki ho rahi hai. And in the essay portion, like you will take the example of essay 2021. Most of ऑर्गेनाइजेशन के तो सरल भाषा में कहें कि होश उड़ गए, बिकॉज दे सेलेक्टेड द टॉपिक्स फॉर द एसे रिलेटेड टू साइकोलॉजी और यू कैन से फिलोसॉफिकल टॉपिक्स और यू कैन से रिलीजियस टॉपिक्स. दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट वॉज नॉट ऑन द ट्रेडिशनल वे. सो द पेपर of 2021, also paper of 2021 essay paper also indicating to you, you should select psychology as an optional. And the next thing, in interview, you know well,
If there is a five member, one member will be psychologist. If you are belonging to psychology backgrounds, so definitely you can communicate with that members easily. You can communicate. Because what kind of observation he is doing in you at that time of interview, you can easily notice, because you belong to same fields. अब साइकोलॉजी का स्टूडेंट साइकोलॉजी के प्रोफेसर को नहीं पहचान पाए तो फिर वेस्ट है पढ़ना उसका. सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट. एंड द सिक्स पॉइंट्स, अप्लाइड पार्ट इज इजी बट हैव अंडरस्टैंडिंग इन थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स. आई हैव नोटिस्ड मेनी स्पिरेंट दोज who has opted psychology as their optional, they have problems in the paper second. Because, बोलते हैं सर सेकेंड पेपर की बुक नहीं है, मटेरियल नहीं है, या अप्लाई करना होता है. सर सेकेंड पेपर अप्लाई करना होता है, यू कैन डू बट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग. फॉर द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या चीज होती है, इसके लिए आप मेरी कोई जनरल सी वीडियो देख लो, मैंने वहां समझाया व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. सो यू कैन चेक देयर. सो अप्लाइड पोर्शन यू कैन डू वेल, राइट. एंड लॉट ऑफ न्यूज पेपर्स मैगजीन्स दे ऑल्सो पब्लिश सर्टेन पब्लिक इशूज कंसर्न्स, सो दैट यू कैन ऑल्सो कलेक्ट इवन व्हाइल यू विल स्टडी विद अस. हमारे साथ आप पढ़ते हो तो चीजें हम आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके देंगे ही देंगे. सो उसके लिए भी नहीं मुश्किल होगा. सो द सेवन पॉइंट्स, व्हाइल यू विल बी सिलेक्टेड, और एक क्लास में मैंने बताया हुआ है कि हमारी लाइफ में अफर्मेशन होना जरूरी. जो चीज आप लाइफ में करना चाहते हो उसको ये मान के चलो कि हो गया. तो अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, सो यू शुड थिंक मैं आईएएस बन चुका हूं. योर बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू आईएएस. अब इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस की गाड़ी में बैठ के घूमने की बात नहीं कर रहा मैं. आई एम सेइंग कि जस्ट व्हाइल यू टॉक टू द पीपल्स, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी लाइक आईएएस. व्हाइल यू आर डिस्कसिंग एनी टॉपिक्स, यू शुड जस्ट बिहेव लाइक आईएएस. कि आईएएस के जो बैलेंस ओपिनियन होते वैसे रखिए आप. सो इन शॉर्ट, वाइल यू विल बी सेलेक्टेड, तो वहां भी फायदा कर रहा है. क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्विस में पब्लिक तो आएगी आपके पास ना. पब्लिक के पास में इशूज जो भी फेक है ओरिजिनल है वो कैसे समझ सकते हैं? बाय दैट ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग. सपोज मेरे सामने बैठे हो आप, एंड या कोई, जस्ट इमेजिन कि आपके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है और अपनी कोई ग्रीवेंसेस लेके आया हुआ है. दैट ग्रीवेंसेस इज फेक और रियल. अगर आपको साइकोलॉजी की समझ है तो आप समझ पाएंगे कि दिस ग्रीवेंस इज राइट और रॉन्ग. ही इज टेलिंग लाई और रॉन्ग. राइट और रॉन्ग बोलो, पकड़ में आ जाएगा. तो पब्लिक सर्विस में सेलेक्ट होने के बावजूद भी तो काम आ रहा. सो आई हैव टेल यू मेनी बेनिफिट्स या मेनी थिंग्स वाई यू शुड सेलेक्ट साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल. आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट यू कैन जनरेट सर्टेन मोर मेरिट्स इन योर माइंड्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सेलेक्ट साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल.